दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोलो की घाटी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है सोलो की घाटी। स्वर्णद्वीप के राजा चंद्रसेन बहादुर बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय थे। प्रजा उनके राज में बहुत ही सुखी थी। राजा चंद्रसेन का इकलौता पुत्र राजकुमार केशव भी अपने पिता की तरह बहुत बहादुर, दयालु व दानी था। युवराज की जय हो। लेकिन मामंत्री शैतान सिंह बड़ा दुष्ट था। वह राजा चंद्र सेन और राजकुमार केशव को अपने मार्ग से हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता था। एक दिन मैं राजा अवश्य बनूंगा। राजा चंद्र सेन मामंत्री पर पूरा विश्वास करते थे, जबकि मामंत्री अपनी योजना को पूरा करने के लिए राज दरबारियों के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रच रहा था। हम आपके साथ हैं, जैसा हम कहेंगे आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, सेना हमारे साथ है। महामंत्री ने उन्हें अपनी योजना बताई। ठीक है, समय का इंतजार करो, लेकिन ध्यान दे, महाराज का वफादार सेनापति विक्रम सिंह हमारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ दिनों बाद महाराज ने महामंत्री को अपने दरबार में बुलवाकर कहा, महामंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महाराज चंद्रसेन महामंत्री और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर रवाना हुए। महाराज चंद्र सेन ने एक शेर शेर का शिकार किया और शिकार खेलते खेलते रात हो गई। महाराज, सैनिक थक चुके हैं, यदि आज्ञा हो तो पड़ाव यहीं डाल दिया जाए, जैसा आप उचित समझे। यही अच्छा मौका है। अर्धरात्रि के समय शैतान सिंह ने अपने एक विश्वसनीय सैनिक को बुलाकर कुछ समझाया। तुम सब कुछ समझ गए ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हुजूर, आप निश्चिंत रहे। कुछ देर बाद वह सैनिक राजा चंद्र सेन के तंबू की ओर बढ़ा। महामंत्री द्वारा दिया गया थैला उसने महाराज चंद्र सेन के तंबू के अंदर फेंक दिया। राजा चंद्र सेन अपने पलंग पर सर्प को देखते चीख उठे, सांप सांप ओह। राजा चंद्र सेन की चीख सुनकर पहरेदार तुरंत तंबू में आ गए। क्या हुआ महाराज को? महाराज को सांप ने डस लिया, जल्दी महामंत्री को खबर करो। अरे सांप! महामंत्री महाराज को राजमहल में ले आया। राजवैद्य सूचना पाकर तुरंत वहां पहुंचे। पिताजी को बचा लीजिए वैद्यराज, चिंता न करो युवराज, मैंने औषधि दे दी है। कुछ भी कीजिए वैद्यराज, महाराज को बचा लीजिए। वैद्यराज जी, महाराज बच बच तो जाएंगे ना, ईश्वर पर भरोसा रखिए। यह जानकर कि राजा चंद्रसेन को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, प्रजा शोकाकुल हो उठी और ईश्वर से अपने दयालु राजा की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, महाराज को बचा लो। मस्जिदों में भी महाराज की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जाने लगी। या खुदा, मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन महाराज को जिंदगी बख्श दे। राजा के विश्वसनीय सैनिकों में कानाकुशी होने लगी। उन्हें इस घटना में किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ? कहीं इसमें महामंत्री का तो हाथ नहीं? वह बड़ा दुष्ट है, मुझे तो दाल में काला लगता है। हो सकता है शतान शतान पर महामंत्री की दुष्टता के बारे में चर्चाएं हो रही थी। आश्चर्य, आज तक महाराज को महामंत्री की दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में मालूम नहीं हो पाया। होगा भी कैसे? क्या महामंत्री के विरुद्ध किसी में कुछ बोलने की हिम्मत है? इधर जबकि पूरा स्वर्णद्वीप राजा चंद्र सेन के लिए चिंतित था, महामंत्री अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। वह समय आ गया साथियों जिस काम में बेसब्री से इंतजार था। महाराज मरणावस्था में है, लेकिन महामंत्री जी, आपने उन्हें सदा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया? ऐसा करने से सेनापति और राजकुमार को हम पर संदेह हो जाता। यदि महाराज बच गए तो ऐसा नहीं होगा, राजवैद्य हमारे साथ है। आपको सावधान रहना होगा महामंत्री जी, प्रजा को आप पर संदेह हो रहा कि कहीं। आप लोग चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? महामंत्री ने उन्हें आगे की योजना बताई। सुनो, एक दिन महाराज का निरीक्षण करते समय वैद्यराज को चिंतित हुआ देखकर युवराज केशव बेचैन हो उठा। आप चिंतित क्यों है वैद्यराज? बात ही कुछ ऐसे युवराज, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ओ, आप मेरे साथ आइए।
राजकुमार वैद्यराज दूसरे कमरे में। महाराज को बचाने का केवल एक ही उपाय है। जल्दी कहिए वैद्यराज, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। सोलो की घाटी से काला मोती लेकर आना होगा। काला मोती? सोलो की घाटी? वैद्यराज ने राजकुमार केशव को सोलो की घाटी के बारे में बताया। यहां से बहुत दूर दक्षिण में घने जंगलों व गहरी नदियों को पार करने के पश्चात सोलो की घाटी आएगी। सोलो की घाटी में एक लाल झील है जिसके चारों ओर पहाड़ आग उगलते हैं। उस झील में एक काला हंस होगा जिसके पेट में वह काला मोती है। वह मोती महाराज को नया जन्म दे सकता है। मैं काला मोती स्वयं देकर आऊंगा। काला मोती लाना इतना आसान नहीं है, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी चिंता न कीजिए वैद्यराज, पिता श्री के प्राणों के आगे मेरा जीवन कुछ भी नहीं। ध्यान है युवराज, काला मोती 7 दिन के अंदर अवश्य जाना चाहिए, वरना उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगा वैद्यराज, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। माँ ने भरे मन से अपने लाल के माथे पर तिलक किया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अब मेरा रास्ता साफ है। स्याबा साथियों, राजमहल पर कब्जा कर लो। महाराज और महामंत्री के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध होने के पश्चात जब महामंत्री का राजमहल पर कब्जा हो गया, डाल लो कैद खाने में महाराज के इस वफादार कुत्ते को। सेनापति अपने आप को महामंत्री के सैनिकों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए, राजकुमार जब वापस लौटेंगे तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हूँ राजकुमार, वापस आएगा तब न? महामंत्री ने सेनापति को जेल में डाल दिया और राजा रानी को भी महल में नजरबंद कर दिया। कुछ समय बाद महामंत्री शैतान सिंह राजमहल के एक कमरे में अपने साथियों के साथ, अब किला और राजमहल हमारे कब्जे में है हुजूर, अब आप ही हमारे महाराज हैं, आज्ञा दे हम क्या करें। शाबाश, आज से तुम लोग ही मेरे राज्य के मंत्री, सेनापति और सलाहकार हो। जाओ जनता में घोषणा कर दो कि महाराज के स्वस्थ होने तक हम ही राज्य का कार्यभार संभालेंगे और प्रजा को वही करना होगा जो हम हुक्म देंगे, जो आज्ञा महाराज। अपने विश्वसनीय साथियों के जाने के बाद महामंत्री भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में खो गया। कुछ दिनों के पश्चात मैं महाराज के मरने की घोषणा कर दूंगा। राजकुमार तो अब वैसे ही वापस नहीं आएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं स्वर्णद्वीप का राजा बनूंगा। महामंत्री के हाथ में राज्य की बागडोर आते ही प्रजा पर जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा। महामंत्री राग रंग में डूब गया। महामंत्री ने कमर तोड़ कर लगा दिए। जनता परेशान हो उठी, हम इतने कर कैसे अदा कर पाएंगे, समझ नहीं आता क्या करे, इस बार बारिश होने की संभावना भी नहीं है। सैनिक गांव गांव जाकर भोली भाली जनता से जबरदस्ती लगान वसूल करने लगे। मेरे जानवर न ले जाओ, मैं लगान की पाई पाई चुका दूंगा। लगान में सारी फसल मत ले जाओ, कुछ तो छोड़ दो। हम अपने जानवर नहीं ले जाने देंगे, यह सरासर न्याय है। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत, महाराज के आदेश का विरोध करते हो, लो मजा चखो। एक अन्य गांव में लगान न देने पर जो विरोध करेगा उसका यही हाल किया जाएगा। आग भागो, हाय हम लुट गए। सैनिकों के जुल्म से प्रजा में असंतोष फैल गया। हमें न्याय चाहिए, हम और जुल्म नहीं सह सकते, लगान कम करो, हम महारानी से मिलना चाहते हैं। महामंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महामंत्री क्रोधित तो उठा, जाओ भाग जाओ वरना तुम पर भूखे शेर छोड़ दिए जाएंगे। हम न्याय पाकर ही जाएंगे, इन्हें कोड़ों से पीटो, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। नजरबंद महारानी ऊपर बुर्ज पर खड़ी सब कुछ लाचार सी देख रही थी। ओह ईश्वर, कुछ कब मिलेगी हमें इस मुसीबत से मुक्ति, कब लौट कर आएगा मेरा बेटा। इधर महामंत्री के भयानक अत्याचारों से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था और उधर भूखा प्यासा राजकुमार सोलो की घाटी पहुंचने के लिए भयंकर रेगिस्तान से गुजरकर काला मोती नदी नालों को पार करता हुआ मुझे 7 दिन के अंदर अंदर काला मोती प्राप्त करके वापस पहुंचना है। एक दिन घने जंगलों में जा पहुंचा, तभी अरे यह क्या, एक घायल कबूतर छटपटाता हुआ राजकुमार के ऊपर गिरा। वो इसे किसने घायल किया? तेरे
तभी एक शिकारी तीर कमान लिए वहां आया। लाओ मेरा शिकार मुझे दो। तुम निर्दयी शिकारी, केवल मनोरंजन के लिए इस निरीह पक्षी को घायल कर दिया। कौन हो मुझे तुम सीख देने वाले? जानते नहीं मैं स्वर्णद्वीप का राजकुमार कैसे हूं? राजकुमार का परिचय पाकर शिकारी अजीतपाल घबरा उठा। क्षमा करे युवराज, मुझसे भूल हुई। तभी राजकुमार की दृष्टि कबूतरी के पंख के भीतर छिपे एक कागज पर पड़ी। अरे यह क्या? राजकुमार ने पत्र पढ़ा। राजकुमार केशव सोलो की घाटी जा रहा है, खत्म कर दो उसे महामंत्री। पत्र पढ़ते ही राजकुमार को दुष्ट महामंत्री के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। उस दुष्ट की यह हिम्मत सारी असलियत जानकर शिकारी ने राजकुमार का साथ देने का निश्चय किया। युवराज, आपके प्राण संकट में यदि आज्ञा दे तो यह तुच्छ सेवक आपके साथ चले। राजकुमार ने शिकारी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। तुम स्वर्णद्वीप जाकर गुप्त रूप से सेनापति विक्रम सिंह को दुष्ट महामंत्री की दुष्टता से आगाह करो। जो आ गया युवराज। तुरंत ही राजकुमार के सबसे विद्यालय शिकारी स्वर्णद्वीप पहुंच गया। जल्दी राह चलते लोगों की बातचीत से शिकारी को सारी स्थिति का पता चल गया। महाराज, महारानी और सेनापति को बंदी बना लिया गया है। महामंत्री मनमानी कर रहा है, प्रजा दुखी है। उसने महामंत्री के विरुद्ध मोर्चा तैयार करने के लिए देश के वफादार लोगों को एकत्रित करने का निश्चय किया। हम स्वयं महामंत्री के अत्याचारों से दुखी हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। शिकारी ने उन्हें अपनी योजना समझाई। ठीक, आप लोग महाराज के वफादार लोगों को एकत्रित करें और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें। राजकुमार कबूतर को लिए जंगल में चला जा रहा था। उसकी देखभाल से कबूतर भला चंगा हो गया था। अचानक तीसरे दिन, अरे मेरा प्रिय कबूतर, अचानक क्या हो गया इसे? गुटर गूं। उसी समय चार पांच भयानक किस्म के लोग हाथों में तलवारें लिए राजकुमार के ऊपर कूद पड़े। ओह! अगले क्षण संभल कर राजकुमार ने मैन से तलवार खींच ली और आक्रमणकारियों से जूझ पड़ा। तुम दुष्टों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आह, आय मर गया। पलक झपकते ही दो व्यक्ति राजकुमार के हाथों मारे गए। ठहरो, जाते को अभी मजा चखाता हूं। दोनों आक्रमणकारियों के भागने के पश्चात, ओह मेरे बाल, हाय मरा, शहबाश मेरे बहादुर दोस्तों। राजकुमार अभी कुछ ही दूर गया था कि एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। गुर्र! राजकुमार शेर को मारने के बाद फिर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। राजकुमार बुरी तरह थक गया। बहुत भूख लगी है, थक भी गया हूं। तभी यह रोशनी कैसी? चलकर देखना चाहिए, शायद रात भर आराम करने और खाने के लिए कुछ मिल जाए। निकट पहुंचने पर राजकुमार ने देखा कि रोशनी एक झोपड़ी के अंदर से आ रही है। चलो अच्छा हुआ खाने को नहीं अभी मिला, तब भी रात तो कट ही जाएगी। राजकुमार ने आवाज दी, कोई भीतर है? जो आपने पाकर जैसे राजकुमार घोड़े से उतरकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा। अरे इसे क्या हुआ? क्या फिर कोई मुसीबत? गुटर गुम गुटर गुम। खतरा महसूस करने के बावजूद भी राजकुमार झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। उसी समय कबूतर भी उसके कंधे से उड़ गया। भीतर का दृश्य अत्यंत रोमांचक और भयानक था। उसी समय कहीं से एक विशालकाय अजगर निकलकर फुंकारता हुआ राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार ने तलवार घुमाई, लेकिन तभी अजगर के मुंह से सफेद गाढ़ा धुआं तेज रफ्तार से निकलने लगा। राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी तिनके के समान भयानक तूफान में उड़ा जा रहा हो। यह क्या माजरा है? क्या राजकुमार काला मोती लाने में सफल हुआ? क्या मामती शैतान सिंह अपने षड्यंत्र में सफल हुआ? क्या महाराज चंद्रसेन जीवित बचे? शिकारी अजीत पाल वास्तव में कौन था? सोलो की घाटी का क्या रहस्य था? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है मौत की घाटी। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, मौत की घाटी में।